मूवी की शुरुआत होती है 1956 फ्रांस से और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर के फादर की बहुत मदद करता है और फादर वहां पर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन को नीचे रखने जाता है, यानी कि छोटा चर्च वहां पर रखने जाता है। तभी उसे वहां पर कोई हलचल महसूस होती है और एक डरावनी आवाज भी आती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर गया था और जाकर वो फादर को बुलाता है। जब इधर फादर आते हैं तो उन्हें वहां पर होली वाटर, यानी कि वो जिससे भूत और आत्माओं को भगाया जाता है या फिर कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए यूज होता है, वो वहां पर बहुत ही तेज उबल रहा था। उसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक और शेडो नजर आती है और फिर एक डरावना सीन आंखों के सामने था और वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि डीमन नन की ही थी, जो उस फादर को हवा में उड़कर आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डीमन नन दिखाई जाती है। और उधर हम एक आदमी को भी बैग ले जाते हुए देखते हैं। आगे कहानी में हम एक सिस्टर आयरन को देखते हैं और वो उस दूसरे चर्च में रह करके अपनी जिंदगी को गुजार रही थी। वहीं पर एक लड़की डेबरा भी नजर आती है जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था और वो हर दिन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो इसे इसीलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को अक्सर जो भी कुछ बड़ा होने वाला होता था उसे वो पहले ही पता चल जाता था। अब यहाँ पर चर्च में डीमन नन के बारे में बातें चलती है। अब कहानी दोबारा से फ्रांस में होती है और हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था और उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वह मॉरिस से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बात करती है और उसका रीज़न ये था कि उस मैडम का बेटा कुछ साल पहले इसी स्कूल में मर गया था और इसीलिए वो चिड़चिड़ी हो गई थी और यही रीज़न था कि वो हर किसी पर गुस्सा ही होती है। अब इसी स्कूल में हॉस्टल में एक बहुत ही प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती है और उसकी मॉरिस से बहुत ही अच्छी दोस्ती है और यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफी को परेशान करती थी और मॉरिस उसे हमेशा के लिए सेव करता रहता। लेकिन मॉरिस के साथ कुछ तो गलत था, वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अब एक दिन एक लड़की स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को बहुत ही अजीब हालत में देखती है कि वो बाहर बैठा हुआ कॉकरोच खा रहा था। अब मॉरिस के अंदर से अचानक से एक डीमन बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है और उसके अंदर भी डीमन नन ही थी, यानी कि जिस आदमी को हमने कहानी के शुरू में देखा था जिसके हाथ में बैग था वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर डीमन नन थी। वो डीमन नन ऐसे ही किसी को नहीं मार रही थी, उसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें आगे आने पर पता चलेगा। अब इधर आयरन को भी कुछ अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उससे मदद मांग रहा था और तभी अचानक से डीमन नन आ करके उसको डराती है जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। अब वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। एक दिन वो लड़कियां जो सोफी को परेशान करती थी वो उसे चैपल में लेकर के जाती है जहाँ पर मैडम ने सबका जाना बंद कर दिया था और वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती है और कहती है कि जाओ जा करके देखो, तुम्हें उस बकरी की आंख में टॉर्च को जला करके देखना है, वो आंखें डीमन नन की है, अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डीमन आ करके तुम्हें मार देगा। और अब सोफी उसी को देख रही थी और तंग करने वाली लड़कियां एकदम से वहां से चली जाती है। अब सोफी यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से इधर कुछ हलचल होने लगती है और इधर सोफी को डीमन नन भी नजर आ जाती है और इसीलिए अब वो डर जाती है और अब मॉरिस वहां पर आकर के उसे बचा लेता है। अब दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन को देखते हैं जिसको फादर अपने पास बुला करके कहते हैं कि बहुत शहरों में प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जला करके मार दिया गया और ये फादर उसी की बात कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। वो कहते हैं कि डीमन नन दोबारा आ गई है और वो मरी नहीं है, जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था, तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो। आयरन कहती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें ही ये सब कुछ देखना होगा क्योंकि ये दुनिया और इंसानियत की बात है और तुम्हें ही इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और सारी बातें सुनने के बाद सिस्टर आयरन अब अपने आप पर कंट्रोल करके इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाती है। अब वो जाती है फ्रांस में जहाँ पर फादर को जला करके मार दिया गया था। अब यहाँ पर आयरन के साथ डेबरा भी आ करके बैठ जाती है। आयरन जब ये देखती है तो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर ऐसे चर्च में पता चल गया कि तुम बिन बताए ऐसे मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेबरा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो मेरी मम्मी जलकर मर गई थी और मुझे कोई भी जादू नजर नहीं आते। ये सारी बात सुनकर आयरन कहती है कि जब यकीन होता है तो बड़े बड़े हादसे होते हैं। अब ये दोनों फ्रांस में पहुंच जाते हैं और चर्च में पहुंचते ही आयरन को दोबारा से इस बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे
बच्चे को हमने कहानी की शुरुआत में फादर के साथ देखा था, अब वो उसे वहाँ पर खेलता हुआ नजर आता है। अब आयरन जब उस हादसे के बारे में उस बच्चे से पूछती है तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में एक शेडो देखी थी और तभी यहाँ पर उसे डीमन नन दिखाई देती है और यहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें भी खुद ही पलट कर डीमन नन का रूप ले लेती है और वो डीमन नन ने आयरन का गला दबा दिया था। तभी आयरन को एक और नन दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी, तभी ये सीन देखकर वो बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पर डेबरा जल्दी से आती है और यहाँ पर उसने उसे संभाल लिया था। इधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे और मॉरिस के अंदर भी डीमन बार बार आती है और इसी वजह से सभी स्कूल में अब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। और अस्पताल में अब जल्दी से आयरन को भी होश आ जाता है। अब यहाँ पर उसे याद आता है कि आखिरी बार उस डीमन नन से मॉरिस ने ही उसे बचाया था और तभी से डीमन नन ने मॉरिस को पोजेस कर लिया। अब डेबरा उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे होली क्रॉस का निशान दे करके गया है और ये वही बच्चा था। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था और जितने भी लोग मरे थे ये उन निशान उन सभी के होली क्रॉस पर भी बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर के उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लॉइस्ट के खानदान से जुड़ा हुआ था और जिस नन प्रीस्ट को आयरन ने अपने ख्यालों में देखा था जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लॉइस्ट की आंखें थी जो एक बहुत ही पावरफुल है जिसे कहीं पर छुपाया गया है। अब आयरन को पता चलता है कि सभी लोग सेंट लॉइस्ट के खानदान से है जो मर चुके हैं और उस डीमन का खास मकसद था कि वो सभी सेंट लॉइस्ट के खानदान को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी और वो आंखों को इसीलिए पाना चाहती थी क्योंकि उसे उसकी गई हुई सारी पावर मिल सके। और यहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को आकर के बताता है कि वो डीमन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी पावर भी ले और उसे जगह का पता भी बताता है जहां पर जाकर वो सारे इन्फॉर्मेशन भी उसे मिल जाती है। वो बताता है कि वो यहां से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन की गई है जहां पर पहले वाइन की फैक्ट्री हुआ करती थी लेकिन बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया और लाइब्रेरियन इस हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहाँ पर मॉरिस काम करता था। यानी कि मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम करने के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था। यानी कि वो डीमन जिसने मॉरिस को अपने कंट्रोल में किया हुआ था वो उसे ही ढूंढ रही थी। और ये सुनते ही आयरन और डेबरा हॉस्टल की तरफ निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को न जाने क्या हो रहा था, वो इस चैपल के आगे बैठा था और अपने सिर को मार रहा था और अब उस स्कूल की मैडम भी ये करते हुए उसे देख लेती है। अब उसे होश में ला करके कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जा करके थोड़ी देर आराम कर लो। मॉरिस अब बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी उसकी मैम को एक अजीब सी आवाज आने लगती है और वहाँ पर ताला खोलकर वो देखने जाती है। तभी उन्हें वहाँ पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। अब यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवा कर उस मैडम को मार देती है। अब उसे मैडम की लाश मिलती है जो बहुत ही बुरी हालत में थी। अब सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा डर गए थे। अब रात को जब सारे बच्चों का ध्यान अपने तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफी की मॉम डांस करने लगते हैं तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था उसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। इधर आयरन और डेबरा भी हॉस्टल में पहुंच गए थे जो सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से दूर रहने का कहते हैं क्योंकि आयरन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन है। तभी वो डीमन मॉरिस के अंदर जा करके बोलती है कि हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस चैपल की तरफ भाग जाता है और उसे छोटे चर्च की तरफ जाता देखकर आयरन उसे देखने की कोशिश करती है लेकिन उस नन ने आयरन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था। अब डेबरा भी उस डीमन नन को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। अब सिस्टर आयरन उठकर दोबारा से कुछ पढ़ने लगती है जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन कमजोर हो गई थी। अब डेबरा जल्दी से जा करके पीछे से मॉरिस के सर पर कुछ दे करके मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब वो उसे बांध कर एक जगह पर बैठा देती है ताकि वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सके और फिर वो अपने साथ कुछ सिस्टर को लेकर आयरन और डेबरा उस चैपल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वहाँ पर वो आंखें मिल जाए जो डीमन नन ढूंढ रही थी। सोफी भी अब उसे छोटे चर्च में उनके साथ जाती है और वो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता सेंट लॉइस्ट के खानदान वालों ने इसे बनाया हो ताकि अगला कोई भी उनसे जुड़ा या उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाए। और फिर वो बताती है
देखिए कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकते हैं। अभी देखने के लिए डेबरा हाथ में पड़ी टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेजर रोशनी निकलती है जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब ये उसे निकाल लेती है जो बक्से में बंद थी। तभी मॉरिस भी जाग गया था। अब बाहर सभी बच्चों को डीमन अपने असली रूप में आकर के बहुत डराने लगती है। अब डेबरा उधर जाकर के उन बच्चों को बचाती और है। भागकर सभी एक रूम में चले गए थे जहां पर इस मैडम का भूत इनको डराता है जिसको चैपल में डीमन ने मार दिया था। इधर सोफी के साथ आयरन भी थी और इधर पॉजेस मॉरिस भी आ गया और वो सिस्टर आयरन से वो खास आके छीनने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें सोफी लेकर के भाग जाती है जो एक बॉक्स में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उससे बचकर भाग रही थी और वो ऊपर पहुंच जाती है जहां पर एक साइड में बिल्डिंग भी टूटने वाली थी और ये सब कुछ उन आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक तेज पीले रंग की लाइट बाहर आती है जिनके करीब अब डीमन भी नहीं आ सकती थी लेकिन फिर भी मॉरिस यानी कि उसके अंदर की जो डीमन है वो सोफी के पास जाने वाली थी। तभी इधर आयरन सिस्टर आ जाती है जो उसे वहां पर लेकर के एक जगह पर रख देती है जिससे बहुत ही पावरफुल लाइट आकर के बाहर आती है और इस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगा था और सबको ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। ये देखकर सोफी अब बहुत ही दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। अब जब उसे चेक करने आयरन उसके पास जाती है तो वो देखती है कि वो तो जिंदा था। ये सिर्फ डीमन नन की एक चाल थी इन्हें फंसाने की। अब वो डीमन जल्दी से इन आंखों को उठा लेती है और सारी ताकत अब उसे दोबारा से मिल गई थी। अब वो दोबारा से अपने असली चेहरे में आ जाती है और वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। और फिर हॉस्टल में एक बच्चे को पकड़कर जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी उसके मुंह के अंदर वो नन अपने नाखून को लगा देती है। वो डीमन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरन को इस तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी जैसे कहानी के शुरू में उसने फादर को मारा था। तभी यहाँ पर आयरन को अपनी मॉम नजर आती है और उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरन भी सेंट लॉइस के खानदान से थी और उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डीमन नन ने लगाई थी, यानी कि अगर आप सेंट लॉइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को आप हरा सकते हो। अभी सब कुछ देखकर डीमन नन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो सोफी पर हमला करती है और आयरन यहाँ पर सबको प्रे करने को कहती है और वो ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है, जैसे कि लाइब्रेरियन ने बताया था कि उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी और चर्च में वाइन पर प्रे करने पर ये जेसस का खून बन जाती है। अब ये दोनों पूरे यकीन के साथ जब ये सब कुछ करते हैं तो वो वाइन खून में बदलकर उस डीमन नन को खत्म कर देती है। आयरन ने उसे दूसरे नर्क में भेज दिया था और यहाँ पर सब कुछ अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखाई देते हैं जो भूत प्रेत आत्माओं से बात कर रहे थे जिनको चर्च से कॉल आया था, यानी कि एक नए केस को उन्हें सॉल्व करना था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेन कमेंट में जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।